सो वेलकम टू सिग्नेचर ई कॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि और आज की वीडियो स्पेशली अमेजॉन सेलर्स के लिए। अमेजॉन पे काफ़ी टाइम से हमने वीडियो नहीं बनाई थी बट काफ़ी सेलर्स की डिमांड थी इस पे। सो मैंने आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अमेजॉन के लिए। क्यों? क्योंकि जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि ये फीचर अमेजॉन के अलावा कोई भी और मार्केट प्लेस में आपको नहीं मिलता है। सो ये बहुत अच्छा फीचर है जिससे हम अपने ऑर्डर ग्रोथ भी कर सकते हैं, साथ साथ में इस रूल को हम ऑटोमेट करते हैं तो इस वजह से यहाँ पे प्राइस ऑटोमेट रहता है और हमारी प्राइस अमेजोन के बिजनेस के हिसाब से, मार्केट की डिमांड के हिसाब से अपडेट होता रहता है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑटोमेट प्राइजिंग अमेजोन पे किस तरीके से करते हैं। सो ऑटोमेट प्राइजिंग, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि प्राइस को आपने ऑटोमेट कर देना है ताकि आपका प्राइस, आप एक लो लिमिट सेट कर लो। मान के चलो आपका 200 का प्रोडक्ट है, आप एक लो लिमिट सेट कर लो कि भाई 180 तक मैं इसको बेच सकता हूं और हाई लिमिट सेट कर लो 200, ठीक है, 200 या 210 इस तरीके से। सो इसके बीच में ही आपका प्राइस ऑटोमेटिक होता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कभी ये घंटे के हिसाब से भी चेंज होता है, कभी डे वाइज ही चेंज होता है। सो अमेजॉन मार्केट की कॉम्पिटेंसी के हिसाब से आपका प्राइस जो है वो चेंज कर देता है। सो आपको इस रूल को समझना भी जरूरी है प्लस अपने एंड से इस रूल को अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे सेलर फिर भूल जाते हैं लाइक करना भाई, बट तो आपका काम की वीडियो है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। सो ये वाला ऑटोमेट प्राइजिंग आपको रूल अमेजोन के, अगर आप सेलर डैशबोर्ड में जाओगे प्राइजिंग में, ऑटोमेट प्राइजिंग में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सारा डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है बट जो काम की है हम उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, दो तीन बॉक्स यहाँ पे मिलेंगे, एक दो और तीन, ये तीन बॉक्सेस आपको मिल रहे हैं। इसमें से जो दो बॉक्सेस हैं, पहला कैटलॉग लेबल रूल और प्री डिफाइंड ऑटोमेटेड रूल, ये दोनों अमेजोन ने ऑटोमेटिक बना के दिए हुए होते हैं। आप चाहें तो इनमें अपने प्रोडक्ट डाल सकते हैं और आपका प्राइस जो है उस हिसाब से ऑटोमेट हो जाएगा, बट मैं इन दोनों को रेफर नहीं करता आप लोगों को, क्योंकि आप खुद से प्लान करो अपना रूल और खुद से अपना रूल बनाएंगे तो बेस्ट रहेगा। अपना रूल आप खुद से यहाँ से बना सकते हैं, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, राइट साइड में टॉप में येलो कलर में क्रिएट अ कस्टमाइज रूल का ऑप्शन आ चुका है। उससे पहले हम ये दोनों को समझ लेते हैं। कैटलॉग लेवल रूल मतलब ये रूल अमेजोन ने ऑटोमेटिक बना रखा है, इसमें आपका पूरा कैटलॉग जो है वो ऑटोमेटिक चला जाता है। तो आप यहां से इसको चाहें तो सेटअप कर सकते हैं, अभी इनएक्टिव है तो आप चाहें तो इसको एक्टिव कर सकते हैं। यहां पे देख सकते हैं जीरो SKU इसमें एंटर है। सेम प्री डिफाइंड ऑटोमेटेड रूल है, यहां पे आप SKU वाइज डाल सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, यहां पर भी SKU जीरो है। दो है बेस्ट प्राइस और कॉम्पिटेटिव फीचर प्राइस, ये क्या होते हैं इसको हम आगे देखेंगे। बाकी ये एक्टिव है यहाँ पे, लेकिन इसमें SKU कुछ भी नहीं है तो इसका ये रन नहीं हो रहा है। बाकी इन दोनों को आप इग्नोर करके अपना खुद का रूल बनाएंगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। देख आप यहाँ पे जैसे चेक कर सकते हैं, तीन रूल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, एक में दो SKU, एक में ऑल SKU और एक में 49 SKU है, बट दो पॉज्ड हैं और एक एक्टिव है। आप इसको एक्टिव पॉज अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो हम एक नया रूल आज बना के देखते हैं और किस तरीके से क्या क्या कंडीशंस होती हैं रूल बनाने की उस पर हम बात करेंगे और आप इसको अप्लाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि बिजनेस में प्राइजिंग अगर ऑटोमेट हो जाए और आपके जो है आपके कंट्रोल में चीज़ें हो, आपके प्राइस लिमिट के अंदर हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्रिएट अ कस्टमाइज रूल पे आप क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीन ऑप्शन में ये ख़त्म हो जाता है। सो सबसे पहले आपको रूल सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा रूल अप्लाई करना चाहते हैं। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ड्रॉप डाउन आते हैं यहाँ पे। ये स्टैंडर्ड प्राइस के लिए है, ये बिजनेस प्राइस के लिए है, तो फिलहाल हम बिजनेस प्राइस की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो B2B में आ जाता है, B2C की हम बात करेंगे। तो B2C में भी यहाँ पे चार ऑप्शन है, बेस्ट प्राइस, कॉम्पिटिटिव बाई बॉक्स प्राइस, कॉम्पिटिटिव लोवेस्ट प्राइस और बेस्ड ऑन स्केल सेल्स यूनिट। तो इनको हम समझते हैं। सबसे पहले बेस्ट प्राइस मतलब मार्केट में अभी आपके प्रोडक्ट का या आपके प्रोडक्ट से सिमिलर प्रोडक्ट का या बाई बॉक्स के हिसाब से या कस्टमर के डिमांड के हिसाब से आपके प्रोडक्ट का बेस्ट प्राइस क्या हो सकता है। अच्छा आपको तो नहीं पता ना, क्योंकि आपको आपको अगर पता करना है तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, बट अमेजोन का जो एल्गोरिदम है, अमेजोन की जो ऑटोमेटेड जो जिसको AI बोलते हैं, वो ऑटोमेटिक ये सब रिसर्च करते रहता है और आपके प्रोडक्ट का जो अभी बेस्ट प्राइस चल रहा है मार्केट में, जैसे मैंने बोला आपने 200 का प्राइस तो रखा हुआ है सेलिंग प्राइस, बट हो सकता है आपके प्रोडक्ट का जो बेस्ट प्राइस अभी 190 चल रहा हो और 10 रुपए की वजह से आप सारी सेल लूज कर रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर सेल लेकर
जा रहा है। सो वो 10 रुपए अगर कम भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट सेल उसमें आनी जरूरी है। सो इसके लिए आप बेस्ट प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव बाई बॉक्स प्राइस स्पेशली होता है जब आपकी मैपिंग वाला प्रोडक्ट हो, आपके कॉम्पिटिटर बहुत सारे हो, आपको बाई बॉक्स के लिए फाइट करना है, तो कॉम्पिटिटिव बाई बॉक्स प्राइसिंग होती है। कॉम्पिटिटिव लोएस्ट प्राइस होता है कि सेम वही कॉम्पिटिशन में आपका लोएस्ट प्राइस अभी क्या चल रहा है। बेस्ड ऑन सेल्स यूनिट होता है कि भाई अभी आपकी सेल कैसी चल रही है डिमांड के हिसाब से। मान के चलो आपने रूल सेट किया कि मेरा जब ज़्यादा सेल आएगा, मतलब ज़्यादा डिमांड है, तो प्राइस मेरा हाई हो जाए, और अगर कम सेल आएगा, कम डिमांड है, तो प्राइस मेरा कम हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा मतलब क्लियर होते जाए इन्वेंट्री फटाफट। ठीक है, ओके। अच्छा, इससे पहले भी मैंने वीडियो ये ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दी थी, बट अच्छे से रिकॉर्ड हो नहीं पाई थी, तो इस वजह से मैं चेक कर लेता हूँ एक बार सही से चल रहा है नहीं चल रहा है। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको रिमाइंड करानी थी। लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ बोली थी कि 1 तारीख को, 1 जनवरी 2023 को एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाला हूँ। ऑब्वियसली ब्लास्ट का मतलब है कुछ सरप्राइज आप लोगों के लिए प्लान करने वाला हूँ, जिससे ऑब्वियसली ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आज तक इस तरीके से कभी नहीं हुआ है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप लोग चाहें तो गेस कर सकते हैं कि क्या नया आने वाला है, और इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहना, rishi.ecommerce, वहीं पर अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी, आई गेस 25 तारीख को हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे बेस्ड ऑन ये सब रूल्स हमने समझ लिए हैं। इन सब रूल्स में से ये वाला जो रूल है मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। आप चाहें तो इसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे राइट साइड में, व्हाट इज बेस्ट प्राइसिंग रूल। बेस्ट प्राइसिंग रूल इज बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडिंग सिमिलर प्रोडक्ट प्राइजेस, हिस्टोरिकल सेलिंग प्राइजेस, बाई बॉक्स एलिजिबल प्राइस एंड कस्टमर फीडबैक प्राइस। तो इसमें सब कुछ आ जाता है, बाकी चाहे आप इनको भी पढ़ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ, बहुत सारे सेलर मुझे ये कमेंट करते हैं या बताते हैं कि सर आपने जो चीज़ें बताई थी हमने सब करी, बट उसी तरीके से करी, बट हमें रिजल्ट नहीं आ रहा है। देखो, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में ना आपको एक्सपेरिमेंट्स करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बेस्ट प्राइस यहाँ पे बेस्ट बता रहा हूँ कि सबसे बढ़िया यहाँ पे बेस्ट प्राइस है, बट हो सकता है कुछ अकाउंट में ये काम ना करे। कुछ अकाउंट में जहाँ पे मैपिंग है, जहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट है और भी लोग उसी ब्रांड को सेल करें, वहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव बाई बॉक्स प्राइस कर सकते हैं। तो इस तरीके, बाकी रूल सब में सेम रहेगा, मतलब प्रोसेस सब में सेम रहेगा। आप इस तरीके से उसको करिए, एक्सपेरिमेंट्स करिए, जिसमें आपको रिजल्ट अच्छे आते हैं उसमें आप काम करिए। ठीक है, सो बेस्ट प्राइस हमने यहाँ पे कर दिया। अब इस रूल का हम कुछ नाम भी रख लें, ताकि हमें याद भी रहे भाई हमने एक रूल बनाया था। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ टेस्ट। फिलहाल के लिए मैं इसका नाम रख देता हूँ टेस्ट। ठीक है, आप चाहें तो इसका नाम रख सकते हैं, जैसे आइडियल प्राइस फॉर माय प्रोडक्ट, गुड प्राइस फॉर माय प्रोडक्ट, माय ऑटोमेटेड प्राइसिंग रूल, इस तरीके से आप कुछ भी इसको रख सकते हैं। मैंने टेस्ट जैसे इसको रख दिया। प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आप मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लीजिए, amazon.in सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब रूल पैरामीटर हमको सेलेक्ट करने की, रूल आप कैसा रखना चाहते हैं। सो मान के चलिए आपके प्रोडक्ट का आपने प्राइस रखा है 200 और उसका बेस्ट प्राइस चल रहा है अभी 180। बेस्ट प्राइस अमेजोन ने डिसाइड कर लिया कि आपके प्रोडक्ट का अभी 180 मार्केट में चल रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस भी 180 हो जाए, या 180 से थोड़ा ऊपर रहे, या 180 से थोड़ा नीचे रहे, आप क्या चाहते हैं? ठीक है, क्योंकि आपका सिमिलर कंपटीशन हो सकता है, आपके कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं, वो भी तो ये ऑटोमेटेड प्राइस करेंगे, वो भी मेरी वीडियो देख के कर सकते हैं इसको सेट, राइट? सो आपने कोशिश करनी है अपने कॉम्पिटिटिंग, मतलब कितना कॉम्पिटिशन है उस हिसाब से इसको सेट करना है। अगर आप चाहते हैं कि जो बेस्ट प्राइस 180 था उससे मुझे 1 रुपया कम रखना है, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट वाला, स्टे बिलो दी बेस्ट प्राइस बाय स्पेसिफिक अमाउंट, और यहाँ पे 1 रुपया डाल देंगे। अगर आप चाहते हैं कि उससे थोड़ा ऊपर रहे, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी आप जितने रुपए ऊपर रखना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल के लिए मैं मैच दी बेस्ट प्राइस करूंगा, कि भाई जितना बेस्ट प्राइस चल रहा है उस पर मेरे प्रोडक्ट का प्राइस मैच कर देना। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या अगर बेस्ट प्राइस 150 हुआ तो क्या आपके प्रोडक्ट का प्राइस 150 हो जाएगा? इसमें तो आप लॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, लो लिमिट और हाई लिमिट भी आप खुद सेट करते हो। ओके, सो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट, डू यू वांट टू कंटिन्यू रीप्राइजिंग व्हेन यू अपडेट द प्राइस? मतलब आप सेलर डैशबोर्ड पर अगर प्राइसिंग अपडेट करते हो, तो उस हिसाब से आप चाहते हो कि इसका ये भी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाए, यस, आप इसको कर सकते हैं, और सेव दिस रूल पे आप इसको क्लिक कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूं। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है SKU ऐड करने का। जस्ट अ सेकेंड, ओके,
आई गेस वाईफाई में कोई इशू है, चलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, मैंने हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लिया है, सॉरी वाईफाई कनेक्ट हो गया है। प्रोसीड टू एसक्यू सिलेक्शन पे अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही प्रोसीड टू एसक्यू सिलेक्शन पे हमने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे सारे आपके एसक्यू आ चुके हैं। आप पेज वाइज इसमें नेक्स्ट पेज कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे एसक्यू वाइज सर्च भी कर सकते हैं, भाई आप लिस्ट बना के रखो कि इन पे मैं ये वाला रूल लगाने वाला हूँ, तो आप यहाँ पे, और ये ऑटोमेट प्राइसिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ये चीज़ आपको समझनी जरूरी है। ओके सो यहाँ पर अब यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एसकेयू आ रखे हैं। मान के चलिए मुझे ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट और ये तीन प्रोडक्ट डालने हैं, तो इनको मैं क्लिक कर लेता हूँ और बल्क एक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको किस में डाल दूंगा, अपने टेस्ट प्राइस में डाल दूंगा। ठीक है, ये टेस्ट में मैंने डाल दिया। जैसे मैं टेस्ट में डालूंगा, देखिए टेस्ट में जा चुके हैं, रूल नेम यहाँ पे आ रहा है, तीन ये टेस्ट में जा चुके हैं। अगर आप वन बाई वन करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे आप यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक कर देंगे, ये भी आपका टेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज प्राइसिंग ऑटोमेटेड, प्लीज अलाउ अस 15 मिनट, तो 15-20 मिनट इसको अपडेट होने में लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। अब आपको जैसे मैंने बताया था कि भाई आपके प्रोडक्ट का प्राइस, मान के चलो एक एग्जांपल के लिए समझते हैं, ये प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, 353। ठीक है, ये वाला प्राइस मत देखना, ये इंक्लूडिंग शिपिंग है, तो ये वाला प्राइस हम देखते हैं, 353 इसका प्राइस है अभी। ठीक है, सो हम चाहते हैं इसका प्राइस मिनिमम कितना तक आ सकता है, मतलब कितना हम झेल सकते हैं। तो मान के चलो मैं इसको 353 है, तो मैं चाहता हूँ कि 335 तक भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा प्राइस ऑटोमेट कर देना। ठीक है, मैक्सिमम आप नहीं भी डालना चाहें तो चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो यही है 353, इससे ऊपर वैसे भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव करते ही देखिए 335 इसका मिनिमम प्राइस सेट हो गया। अब ऑटोमेट तो होगा इसका प्राइस, क्योंकि मैंने टेस्ट रूल में इसको लगा दिया है, ऑटोमेट तो होगा, बट 335 से नीचे नहीं जाएगा, चाहे फिर बेस्ट प्राइस नीचे भी क्यों ना चला जाए, तो मतलब हम इतना कॉम्पीट नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। आप चाहें तो इसको और फाइट करना चाहें तो 325 तक भी ला सकते हैं, आपकी मर्जी है। सो इस तरीके से आपको हर प्रोडक्ट का यहाँ पे मिनिमम प्राइस सेट करना होता है। अच्छा, अब ये तो देखिए ऑलरेडी इस अकाउंट में पहले भी लगे हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। कई केसेस में जब आप रूल में पार्टिसिपेट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये मैंने एक नया अकाउंट लिया है, तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस सेट करना रहेगा। तो आप मिनिमम मैक्सिमम प्राइस सेट कैसे करेंगे, सेट मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस वन कंट्री यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी बेस्ड ऑन मिनिमम एंड मैक्स प्राइस योर करंट प्राइस है अपडेटेड है, ये इंडिया अपडेटेड है, मिनिमम 5% बिलो दी योर प्राइस। आप क्या चाहते हैं कि कितना परसेंट रहे डाउन। ठीक है, मतलब अगर आप इस तरीके से वन बाई वन नहीं करना चाहते सबका मिनिमम प्राइस, भाई अगर 50 करेंगे तो 50 का अपडेट थोड़ी करते रहेंगे, तो उसके लिए आप सीधे इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं कि भाई मुझे जो मिनिमम प्राइस चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्राइस लिमिट, ये देखिए, और अप्लाई चेंजेस टू ऑल एसकेयू हो जाता है डायरेक्टली, प्राइस लिमिट्स मिनिमम प्राइस कितना परसेंट बिलो होना चाहिए, तो मैं भाई 10% तक झेल सकता हूँ, तो 10% यहाँ पे मैं कर देता हूँ, मैक्सिमम हम नहीं भी करेंगे तो चलेगा, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो ये प्राइसिंग मैं मैन्युअली सेलेक्ट कर रहा था, आप चाहें तो ये मैन्युअली सेलेक्ट करो यहाँ पे, जैसे मैंने 335 लिखा, या आप चाहें तो डायरेक्ट इस तरीके से भी डायरेक्ट अगला ऑप्शन इसमें आएगा और आप कर सकते हैं, शुरू में आ जाता है वैसे। ओके, तो इस तरीके से आप एटलीस्ट बेसिक आप समझ गए इस चीज़ को कैसे लगाना होता है। अब देखिए हमारा रूल लग चुका है। अच्छा, आपको अगर बल्क में लगाना है कि भाई मुझे सारे एसकेयू पे लगाना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए सब पे लग चुका है। ठीक है, और इसको डायरेक्ट बल्क में यहाँ से बल्क पे सेलेक्ट करके इसको टेस्ट में डाल देंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये टेस्ट में डाल दिया है। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे आएंगे, ये देखिए यहाँ पे प्राइसिंग का जो मैंने बताया था मिनिमम और मैक्सिमम का आ चुका है, क्योंकि कई प्रोडक्ट में शायद मिनिमम प्राइस अपडेटेड नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 5% बिलो हमने कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट रिप्राइजिंग हम इसको कर देंगे और ये स्टार्ट रिप्राइजिंग हो जाएगा। राइट, ओके, सो अब हम कहाँ पे जाएंगे, अब हम देखेंगे कि ये प्राइजिंग रूल कहाँ पर है। अगर आप इस प्राइजिंग रूल को चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, फिर से ऑटोमेट प्राइजिंग पे हम आ जाएंगे। और ये देखिए ये वाला बनाया था हमने अभी टेस्ट वाला, अभी जीरो है, 10 से 15 मिनट अपडेट होने में लगते हैं, जैसे मैंने बताया एसकेयू इसमें अभी जीरो डले हुए हैं,
जैसे ही अपडेट होगा 50-60 जितने भी हमने डाले थे वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ गया एक्टिव है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करके इसको चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं फिर से कि भाई मुझे इसको फिर से एडिट करना है, कुछ गलत अगर हो गया है यहाँ पे तो आप इसको एडिट कर सकते हैं दोबारा। आप इसको चाहें तो जब चाहें तब पॉज कर सकते हैं, जब चाहें तब डिलीट कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल सारा आपके हाथ में रहता है। मैं हमेशा चाहूंगा कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग ऑटोमेट पे रखिए, एटलीस्ट 10% के गैप में ऑटोमेट जरूर रखिए। ऑटोमेट प्राइस होता है तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक दो रुपए के वजह से आपकी 10-15 की सेल चली जाती है तो वो नुकसानदायक होता है। अमेजोन को आप काम सौंपो अपना और अपना प्राइस ऑटोमेट कर दो। बाकी इससे रिगार्डिंग ऑटोमेट प्राइसिंग से रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है डायरेक्ट ये नंबर दिया गया है टीम का, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है हमेशा, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कॉन्टैक्ट करने के लिए। आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं, अमेजोन ही नहीं फ्लिपकार्ट मीशो किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग कर सकते हैं। टिल देन अच्छा लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन अमेजोन। कोई और टॉपिक हो तो आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट में, कोई दिक्कत भी अगर होती है तो। थैंक यू।